Good morning friends, welcome to our channel Vigyan Simplified. Today I am discussing about of daily vocabulary and this is the part 6, okay? So, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि daily vocabulary के अंदर हम लाते हैं आपके लिए 5 question और आज हम आपके 5 question के साथ daily quiz भी लाए हैं, तो उसको solve करना घर पे बैठ के and comment box में जरूर comment करके बताना, ठीक है ना? तो यदि ये video अच्छे लगते हैं, please like कीजिएगा and subscribe कीजिएगा हमारे channel को, तो start करते हैं हमारी इस video को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रोस्टर एंड इसकी यदि हम फॉर्म बात करें फॉर्म क्या होती है नॉन नाउन होती है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रोस्टर के रूप में एंड इसका मतलब होता है किसी स्थान के कर्मचारियों की यानी कि कर्मियों की ड्यूटी या फिर छुट्टी की सूची ओके हम बात कर रहे थे रोस्टर की ठीक है जो कि हमारा 26 नंबर का वर्ड है रोस्टर अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं 26 नंबर ठीक है ना क्या बात कर रहे हैं 26 नंबर तो हम यहां पे फर्स्ट नंबर क्यों नहीं लिखते हर वीडियो के अंदर मतलब आगे से आगे चलते जाते हैं 26 के बाद आज हम 5 बढ़ा लेंगे तो यानी कि 30 वर्ड्स के बारे में बात कर लेंगे इसके बाद 31 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो तो हम वहां पे फर्स्ट क्यों नहीं लिखते आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कभी-कभार तो हम यहां पे फर्स्ट इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें याद रहे कि ये कौन सा वर्ड है ठीक है ना तो ये 26 नंबर का वर्ड है जैसे कि हमें याद है ठीक है ना जैसे कि पता भी है तो हम क्या करेंगे आपके लिए 50 वर्ड्स का एक रिवीजन लाएंगे जब हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको उसके नेक्स्ट डे में यानी कि अगले दिन ही 50 वर्ड का एक रिवीजन मिल जाएगा जिससे आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं ठीक है ना तो इसीलिए हम यहां पे फर्स्ट वर्ड ना लिख मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ना लिखते हुए यहां पे 26 वाला वर्ड लिख रहे हैं ऐसे 31 वाला या 21 वाला या फिर 15 वाला इस प्रकार हम लिख रहे हैं ठीक है ना तो इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं ओके तो आपको यहां पे इसका रिवीजन मिल जाएगा जब हमारे 50 वर्ड्स यानी कि 50 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे ओके तो हमारा जो 26 नंबर का वर्ड था वो था रोस्टर तो रोस्टर की बात करें तो इसका यदि हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रोस्टर उच्चारण किस रूप में होता है रोस्टर के रूप में होता है यदि हम इसकी फॉर्म को देखें कि इसकी फॉर्म क्या होती है तो इसकी फॉर्म होती है नाउन यानी कि संज्ञा तो ये संज्ञा के रूप में इसका यूज किया जाता है यदि हम इसके मतलब हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हैं किसी स्थान के कर्मचारियों की ड्यूटी या फिर छुट्टी की सूची ऐसा चार्ट जिसके अंदर फ्यूचर में होने वाले ड्यूटी कि कब-कब हमें ड्यूटी करनी चाहिए फ्यूचर में कब-कब छुट्टी दी जाएगी फ्यूचर के अंदर ये सारी चीज उसके अंदर बता रखा हो एक चार्ट के अंदर उस चार्ट को हम क्या कहेंगे रोस्टर कहते हैं ठीक है ना रोस्टर के रूप में उस चार्ट को हम पुकारते हैं ठीक है ना किसी स्थान के कर्मचारियों की ड्यूटी या फिर छुट्टी की सूची अगर किसी चार्ट के अंदर दे रखी हो तो उसे हम क्या कहेंगे रोस्टर कहेंगे जो कि फ्यूचर में और यानी कि आने वाले कल में यानी कि जो अभी हमारे पास अभी हमें पता नहीं है लेकिन आएगा जो हमारे पास कल उसके अंदर छुट्टी कितनी होनी चाहिए उसके अंदर ड्यूटी कब-कब की जाएगी ये सारी चीजें बता रखी हो और साथ में वर्तमान में होने वाली छुट्टी और ड्यूटी के बारे में भी बताया गया हो प्रीवियस ईयर के अंदर यानी कि प्रीवियस टाइम में भी जो छुट्टियां ली गई है या फिर ड्यूटी हुई है उसके बारे में बताया गया हो तो इसको हम क्या कहते हैं रोस्टर कहते हैं ठीक है ना तो हमने बात की रोस्टर के बारे में जो कि एक नाउन है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रोस्टर और इसका मतलब होता है किसी स्थान के कर्मचारी कोई भी स्थान दे रखा हो उसके कर्मियों की छुट्टी या फिर ड्यूटी की सूची ओके एग्जांपल दे रखा है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के दौरान किसी भी मतलब कोई व्यक्ति जाता है इंटरव्यू करता है तो इंटरव्यू के दौरान क्या करता है वो रोस्टर के बारे में जानना चाहता है रोस्टर शुड बी मैड क्लियर ठीक है ना सिंपल सी बात है वो रोस्टर के बारे में जान लेना चाहता है कि रोस्टर हमारा क्या रहेगा रोस्टर का मतलब हमारे यानी कि ड्यूटी कब होगी हमारी छुट्टी कब होगी आगे आने वाले कल में फ्यूचर के टाइम में तो सिंपल सी बात है कोई भी यदि आप इंटरव्यू के दौरान भी जाएं जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप भी रोस्टर के बारे में जान लीजिएगा क्योंकि रोस्टर ही हमारे को बताता है हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं ओके तो सिंपल सी बात है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू रोस्टर शुड बी मैड क्लियर रोस्टर में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इंटरव्यू के दौरान ओके तो ये हमारा रोस्टर वर्ड था अब हम आते हैं 27 वाले वर्ड के अंदर जो कि है वर्डिक्ट कौन सा है वर्डिक्ट है इसका मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला ओके तो हम बात कर रहे थे वर्डिक्ट की ओके जो कि 27 नंबर का वर्ड है इसका यदि हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो प्रोनाउंसिएशन होता है वर्डिक्ट वर्डिक्ट ओके यदि हम बात करें इसके फॉर्म को लेकर तो इसकी फॉर्म होती है नाउन
ओके, इसकी फॉर्म कौन सी होती है? नाउन होती है, इसको नाउन के रूप में यूज किया जाता है। यदि हम वर्डिक्ट की हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है फैसला, यानी किसी चीज का फैसला लेना या फिर उसका निर्णय करना। ओके, तो फैसला या निर्णय इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है किसका, वर्डिक्ट का। ओके, यदि हम इसके सिनोनिम्स के बारे में जाने तो सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसीजन से हमें पता चल जाता है कि किसी के बारे में फैसला लेना या फिर निर्णय करना, ठीक है ना। जजमेंट से हमें पता चल जाता है कि किसी के बारे में फैसला लेना या फिर निर्णय करना। डिक्री के बारे में डिसीजन एंड प्रोनाउंसमेंट, इन सभी से हमें पता चलता है कि वर्डिक्ट का मीनिंग क्या होना चाहिए, फैसला या फिर निर्णय। तो वर्डिक्ट की ये सिनोनिम से जजमेंट, डिसीजन, डिक्री, डिस्क्रिजन एंड प्रोनाउंसमेंट। ओके, क्या बात करी हमने, जजमेंट, यह हम वर्डिक्ट के सिनोनिम्स के बारे में बात करें, जजमेंट, डिसीजन, डिसीजन। ओके, यदि इसके बारे में बात करें, डिसीजन का मतलब होता है फैसला या फिर निर्णय, जजमेंट का मतलब भी वही होता है, और एक और होता है डिक्री। ओके, डिक्री, तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स हैं। कुछ और सिनोनिम्स के बारे में जान लेते हैं, प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, डिक्रीजन, और यहाँ पे ये डी है, पी बन गया है यहाँ पे, तो डी कर देते हैं इसको, डिक्रीजन, ये डिक्रीशन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ इसके सिनोनिम्स देखने को मिल जाते हैं वर्डिक्ट। ओके, तो यहाँ पे वर्डिक्ट हमने जाना कि वर्डिक्ट एक नाउन है और इसका मतलब होता है फैसला या फिर निर्णय, और इसके सिनोनिम्स है जजमेंट, डिसीजन, डिक्री, डिस्क्रिशन एंड प्रोनाउंसमेंट। ओके, अब यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एवरी वन प्रेस्ड द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट सुनाया गया था उसका सभी प्रेस्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मतलब क्या हुआ, वर्डिक्ट का मीनिंग फैसला, ठीक है ना, क्या हुआ, फैसला। सुप्रीम कोर्ट के मतलब द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसको सभी ने सराहा, समर्थन किया उसका, सभी ने उसको सराहा, ठीक है ना। प्रेस्ट का मतलब क्या होता है, सराहना। ओके, अब हमारा 28 नंबर का वर्ड है रबल, रबल, ठीक है ना। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, रबल होता है इसका, जो कि हमारा 28 का नंबर का वर्ड है रबल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रबल। ओके, तो रबल क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। यदि इसके फॉर्म की बात करें तो इसकी फॉर्म होती है नाउन, यानी कि संज्ञा ही होती है इसकी फॉर्म, और यदि हम इसके कुछ मतलब हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होती है मलबा। अब मलबा में जैसे हमारे आयरन आ जाते हैं, ब्रिक्स आ जाते हैं, यानी कि हमारे लोहा आ जाता है, लोहे की रोड आ जाती है, आयरन रोड बोलते हैं जिसे, ब्रिक्स यानी कि ईंट पत्थर सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मलबे के अंदर आते हैं और मलबे में आते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम मलबे को क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में रबल कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने जाना रबल एक नाउन है और इसका मतलब होता है मलबा। इसके कुछ सिनोनिम्स भी दिए गए हैं जैसे कि र्यून्स, रिमेंस, डैब्रिस, सॉरी डैब्रिस है यहाँ पे, डैब्रिस एंड रैकज। ओके, तो हमने यहाँ पे इसके कुछ सिनोनिम्स देखे, डैब्रिस, रिमेंस एंड र्यून्स, रैकज, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसके लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए, डैब्रिस, र्यून्स, रिमेंस और इसका एक और सिनोनिम्स होता है जो कि होता है रैकेज, ठीक है ना, रैकेज, डब्लू साइलेंट है इसमें, रैकेज। तो इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वर्ड है, मतलब सिनोनिम्स है किसका, रबल का। ओके, तो यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स देखे, डायब्रिस, रिमेंस, र्यून्स एंड रैकेज। ओके, तो हमने बात कर ली रबल की, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इन द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के समय भूकंप में मैनी पीपल डाइड बट
ही सर्वाइव्ड फॉर 3 डेज इन द रबल। ओके, यानी कोई व्यक्ति था जो कि भूकंप के समय दब तो गया था, ठीक है ना, रबल के अंदर 3 डेज यानी कि 3 दिन तक दबा रहा था, परंतु जो सर्वाइव्ड कर रहा था यानी कि जीवित था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात इस सेंटेंस के अंदर क्या बताई गई, इन द अर्थक्वेक भूकंप में मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर गए, परंतु ही सर्वाइव्ड, कोई व्यक्ति था जो कि जिंदा था, फॉर 3 डेज 3 दिनों तक इन द रबल, मलबे के अंदर दबा हुआ फिर भी जिंदा था वो 3 दिनों तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रबल का मतलब क्या देखा, मलबा। ओके, क्या देखा, मलबा। ओके, जिसके अंदर आयरन आ जाते हैं, आयरन रोड आ जाते हैं, ब्रिक्स आ जाते हैं, कई सारे पत्थर आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे रबल के अंदर आते हैं। ओके, तो इस मतलब स्लाइड के अंदर भी हमने देख लिया, कंप्लीट हो गई, जिसमें देखा हमने रोस्टर के बारे में जाना कि ये एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है किसी स्थान के कर्मचारियों की ड्यूटी या छुट्टी की सूची, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें जब हम इंटरव्यू के दौरान जाएं, एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू रोस्टर शुड बी मेड क्लियर, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया गया था इसका कि यदि हम इंटरव्यू के दौरान जाएं तो वहां से हमें रोस्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जब हम उसको मतलब जॉब के बारे में पता लगा पाते हैं कि उसके रोस्टर यानी कि किसी भी मतलब फ्यूचर में होने वाली ड्यूटी कब होनी चाहिए, छुट्टी कब होगी, हमारी मर्जी से होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बता दी जाती है, ठीक है ना। तो रोस्टर के बारे में जानना जरूरी है, रोस्टर शुड बी मेड क्लियर। ओके, वर्डिक्ट के बारे में बताया गया कि एक ये नाउन है, वर्डिक्ट होता है इसका प्रोनाउंस, एंड यदि हम बात करें इसका मीनिंग का तो ये फैसला है या निर्णय होता है इसका मीनिंग। इसके सिनोनिम्स जैसे कि आपने देखा जजमेंट, डिसीजन, डिक्री या फिर डिग्री भी बोलते हैं, डिस्क्रिशन एंड प्रोनाउंसमेंट। ओके, एग्जाम्पल बात करिए, एवरीवन प्रेस द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट सुनाया गया था, फैसला दिया गया था, उसको सभी ने सराहा, एवरीवन प्रेस, सभी ने सराहा या समर्थन किया, ठीक है ना। इसके बाद हमने 28 नंबर का वर्ड देखा जिसका मतलब होता है मलबा, यानी कि 28 नंबर का जो वर्ड है वो है रबल, जिसका मतलब होता है मलबा, जो कि एक नाउन है। इसका सिनोनिम से डेब्रिस, रिमेंस, रियून्स एंड रेकेज। तो इसका एग्जांपल भी हमने देखा कि इन द अर्थक्वेक यानी कि भूकंप में सभी लोग मर गए, मैनी पीपल हैव डाइड। ओके, तो मैनी पीपल डाइड बट ही सर्वाइव्ड फॉर 3 डेज इन द रबल, जो कि एक व्यक्ति था जो सर्वाइव्ड कर रहा था, जिंदा था, जीवित था, फॉर 3 डेज 3 दिनों के लिए रबल के अंदर भी, ठीक है ना, रबल के अंदर भी, मलबे के अंदर भी वो 3 दिनों तक जीवित रहा था, ठीक है ना। तो ये एक सोचने वाली बात भी है, तो हमें देखने को भी मिला है एग्जांपल के अंदर, ठीक है ना। ये हमने मतलब 26, 27, 28 नंबर के वर्ड कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम 29 एंड 30 वर्ड जो हमारे पास है वो है, देख सकते हैं आप, डिफेमेशन। ओके, डिफेमेशन यानी कि इसको बनाया गया है फेम के थ्रू, जो हमारे पास वर्ड होता है फेम, ठीक है ना। क्या होता है, फेम होता है इसका वर्ड, तो उसके थ्रू ये बनाया गया है, ठीक है ना, डिफेमेशन। तो फेम का मतलब क्या होता है वहाँ पे, तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे फेम। ओके, तो ये एक हमारे पास वर्ड है जिसके थ्रू डिफेमेशन बनाया गया है। इसका यदि हम डिफेम कर देते हैं तो डिफेम का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की छवि को, इमेज को गिराने को ही हम क्या कहते हैं, डिफेम कहते हैं, ठीक है ना। परंतु हमारा वर्ड है डिफेमेशन, तो डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, मान हानि, ठीक है ना, मान हानि यानी कि किसी को दंड देना, ठीक है ना। तो डिफेमेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मान हानि। इसके कुछ है मतलब सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्लैंडर, लीबल, कॉलमनी, एस्प्रिजन एंड डेनिग्रेशन, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो सिनोनिम्स के बारे में पहले बाद में बात करते हैं, पहले हम डिफेमेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 29 वाला जो वर्ड है वो है डिफेमेशन, जो कि फेम वर्ड से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की छवि गिराना, ठीक है ना। तो डिफेमेशन, ओके, डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, मान हानि। ओके, मान हानि, तो मान हानि यानी कि दंड देना, सजा सुनाना, और ये एक नाउन है जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, संज्ञा है। और इसका यदि हम उच्चारण देखें यानी कि प्रोनाउंस देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिफेमेशन। ओके,
इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे कि हम बात करें स्लैंडर, लायबल, ये कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि आपको दिखाया गया था यहाँ पे, स्लैंडर, लायबल, कॉलमनी, एस्पिशंस एंड डेनिग्रेशन, ठीक है ना। स्लैंडर, कॉलमनी, लायबल, एस्पिशंस एंड डेनिग्रेशन, ओके, ये कुछ इसके सिनोनिम्स थे, तो मैं लिख देता हूँ स्लैंडर, लाइबल, डेनिग्रेशन, एंड हमारे पास था कॉलमनी एंड एस्पिशंस, ठीक है ना। तो इसको भी लिख देता हूं मैं, कॉलमनी एस्पिशंस, एस्पिशंस, ओके। तो ये हमारे पास, ये कुछ इसके सिनोनिम्स थे किसके, ये हमारे पास थे डिफेमेशन के, ओके। तो जिसका मतलब होता है माना नहीं। इसका एग्जांपल बताया गया, ही वॉज चार्ज्ड विद डिफेमेशन इन द पब्लिक मीटिंग, यानी कि पब्लिक मीटिंग में जो लोगों की मीटिंग होती है उसके अंदर छवि गिराई गई, डिफेमेशन किया गया, मानहानि किया गया, तो उसको मानहानि के दौरान ही उसके ऊपर चार्ज लिया गया, ठीक है ना, चार्ज लगाया गया, ठीक है ना, आरोप लगाया गया। तो ही वॉज चार्ज्ड विद डिफेमेशन इन द पब्लिक मीटिंग, कोई व्यक्ति था जो कि पब्लिक मीटिंग के अंदर मानहानि, मतलब पब्लिक मीटिंग में किसी के व्यक्ति के ऊपर डिफेमेशन कर दिया होगा, मानहानि का कर दिया होगा, तो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, यानी कि आरोप लगाया गया। यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या है, आरोप लगाना, ठीक है ना। तो डिफेमेशन का मतलब क्या लिया गया, मानहानि, ठीक है ना। तो ये हमने डिफेमेशन को भी देख लिया, अब हम आते हैं आर्बिट्री, ठीक है ना, आर्बिट्ररी। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, एक तरफा फैसला, यानी कि वन साइडेड जो जस्टिफाइड किया गया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी, ओके, एक तरफा फैसला, ओके। आखिरी वर्ड है जो कि है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आर्बिट्रेरी, और इसको मैं सही से लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन को एक बार अच्छी तरह से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आए। तो प्रोनाउंसिएशन होता है आर्बिट्रेरी, ओके। और यदि हम इसके फॉर्म को देखें तो इसका फॉर्म होता है एडजेक्टिव, ठीक है ना, यानी कि विशेषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यदि हम इसके मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है एक तरफा फैसला, वन साइडेड जस्टिफाइड, ठीक है ना, जस्टिफिकेशन किया जाता है वन साइडेड उसको, एक तरफा फैसला, इसका हिंदी मीनिंग है आर्बिट्रेरी का। सिनोनिम्स, वन साइडेड, अनजस्टिफाइड एंड और भी हैं, जैसे कि हम देखें अनजस्टिफाइड हो गया, जैसे कि और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लिसेंसियस, सेल्फ विल्ड, वन साइडेड, अनजस्टिफाइड, ओके। ये इसके कुछ सिनोनिम्स है, लिसेंसियस, सेल्फ विल्ड, अनजस्टिफाइड एंड वन साइडेड। एक बार और मैं लिख देता हूँ, लिसेंसियस, सेल्फ विल्ड, ओके, और अनजस्टिफाइड, ओके। वन साइडेड, ओके, ये इसके कुछ सिनोनिम्स है, चार सिनोनिम्स दिए गए हैं किसके, एक तरफा फैसला यानी कि आर्बिट्रेरी के, ठीक है ना, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर्बिट्रेरी, इसका मीनिंग होता है एक तरफा फैसला। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, एवरीवन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, फैसला किया था, जो कि एक तरफा फैसला था, आर्बिट्रेरी था, उसको सभी ने प्रोटेस्ट किया, उसका सभी ने विरोध किया, ठीक है ना, उसके विरुद्ध सभी ने, उसके अगेंस्ट सभी ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। तो एवरीवन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर
आप देख ही सकते हैं इसका आर्बिट्रेरी का, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो इसी स्लाइड के अंदर हमने डिफेमेशन के बारे में जाना, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है मान हानि। इसके सिनोनिम्स देखिए, स्लैंडर, लाइबल, कोलमनी, एस्पर्सियस, डेनिग्रेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखा कि कोई भी मीटिंग हो रही थी, पब्लिक मीटिंग, उसके दौरान मान हानि का मतलब किया गया, किसी भी पब्लिक मीटिंग के अंदर किसी भी व्यक्ति पर मानहानि लगाया गया तो उसको चार्ज किया गया, उसके ऊपर आरोप भी लगा दिया गया, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक तरफा फैसला, लाइसेंसियस, सेल्फ विल्ड, वन साइडेड, अनजस्टिफाइड, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। जिसके एग्जाम्पल भी दिया गया कि एवरीवन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने जो डिसीजन लिया था उसके विरुद्ध सभी व्यक्ति थे, ठीक है ना, उसके विरुद्ध सभी व्यक्ति विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। एक तरफा फैसला आर्बिट्रेरी का यहाँ पे हमने मतलब लिया, ठीक है ना। डेली क्विज दिया गया है जिसमें आपको वर्ड दिए गए हैं अर्ज, जर्नी टू एंड फ्रो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, जर्नी करना, यात्रा करना, कॉग्निशंस एंड हीनस, ये चार वर्ड लिए गए हैं आज, और इनके आपका आंसर जल्दी ही कमेंट के अंदर दे देने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स, बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।